स्टूडेंट्स, टुडे आवर क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम इन सी टू चेक द नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। तो इसमें हम लोग आज क्या क्वेश्चन बना रहे हैं, एक प्रोग्राम लिखना है सी में और क्या चेक करना है कि नंबर जो होगा वो हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, एग्जांपल बताते हैं 153, ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। कैसे होगा, तो 1 का क्यू कीजिए प्लस 5 का क्यू कीजिए प्लस 3 का क्यू कीजिए। ठीक है, इसका क्यूबिक निकालना है सबका, एक एक अलग अलग नंबर करके उसके बाद जब सम करिएगा तो अगर ये भी 153 आ जाए तो हमारा क्या होगा, ये आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। तो 1 का 1 हो गया 25, 25 125 और 3 9 9 27। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 153। ठीक है, तो ये 153 और ये 153 दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर तो समझ गए आप, नंबर जो भी होगा उसके एक डिजिट को क्यों निकालेंगे, फिर दूसरे डिजिट का, फिर तीसरे डिजिट का, अगर 3 डिजिट का है तो, और उसको जब निकाल लेंगे तो सबका क्यों निकालने वाले जोड़ेंगे तो वो फिर नंबर के बराबर आ जाना चाहिए। अगर नंबर के बराबर आ जाता है तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, नहीं तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लो चार्ट बनाने के लिए, क्या करेंगे स्टार्ट। ठीक, स्टार्ट के बाद क्या करें, मान लीजिए कोई नंबर रीड कर लेते हैं, मान लीजिए 153 लेना है, तो इसके लिए हम लोग रीड करेंगे, रीड एन। ठीक है, अब नंबर आ गया, अब इसको ओरिजिनल नंबर को हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो मान लेंगे हम लोग पी बराबर एन। तो ये हमारा सेव हो गया नंबर P में N का वैल्यू, और जब P में N का वैल्यू स्टोर हो गया तो इसको हम लोग लास्ट में P को चेक करेंगे नंबर से। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम लोगों को एक और नंबर पैटर्न तैयार करने के लिए बनाना होगा जो सम बराबर जीरो होगा। ठीक है, सम बराबर जीरो इनिशियलाइज कर लिए है ना। अब क्या करना है, इस नंबर को हम लोगों को पहले डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं 10 से। तो क्या होगा, जब 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ये नंबर ट्रंकेट हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमको क्या चाहिए, इसका रिमाइंडर चाहिए पहले, बाद में ट्रंकेट करें हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे 153 का, क्या आएगा उसके बाद, ये कोई भी नंबर है तो उसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, तो नंबर हो गया n, a बराबर हो गया n mod 10, a mod 10 हुआ तो ये लास्ट में ये रिमाइंडर बचा हुआ आएगा, यानी जैसे ही मान लीजिए नंबर हो गया 153 तो इसका मॉडुलस निकालिएगा 10 से तो क्या आएगा, 3 आएगा है ना। तो अब यहां कर लिए, अब क्या करें बताइए, जल्दी बताइए क्या करें। अब एक पैटर्न बनाना है, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 बार है ना। तो यहां पर लिखेंगे सम प्लस ए इंटू ए। ठीक है, सम बराबर ए इंटू ए है ना। अब जब नंबर हमारा मॉडुलस से मिल गया, उसका हम लोग क्यूब निकाल लिए और उसका सम को पहले जीरो में रखे हैं, तो क्यूब निकाल के सम में जोड़ देंगे तो पहले नंबर आ जाएगा है ना। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर अब नंबर को डिवाइड कर दें 10 से तो 3 वाला पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा और 3 हट जाएगा और 15 बचा हुआ रह जाएगा। तो फिर करेंगे क्या, n डिवाइडेड बाई 10 करिएगा तो क्या आएगा, नंबर जो हो जाएगा वो अब लास्ट डिजिट जो बचा हुआ आएगा वो क्या होगा,
153 में से 3 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। अब यहीं पर कंडीशन चेक करना है, इज नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो क्या करेगा, ये नंबर को फिर से यहाँ पे हम लोगों के ले आएगा और इसका रिपीटेशन करेगा, ठीक है, अगर यस होगा तो, है ना। और हम लोग फिर जब कंप्लीट करेंगे उस समय तक चलाते रहेंगे लूप को कि जब तक ये नंबर 0 से बड़ा है तब तक। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे फिर इफ सम इज इक्वल टू पी, अगर सम इज इक्वल टू पी हो गया तो होगा ये क्या, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, क्या होगा, प्रिंट करेगा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, उसके बाद स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो ये क्या कराएगा, दिस इज नॉट ए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, नॉट ए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, क्या हो जाएगा, प्रिंट इट इज नॉट ए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। उसके बाद स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको एक बार आप फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कोई नंबर को इनपुट करेंगे, जैसे ही नंबर इनपुट किए तो उसको क्या करेंगे, किसी वेरिएबल पर स्टोर कर लेंगे, क्योंकि फाइनली हमको उसको चेक करना है, क्योंकि नंबर तो घटते जाएगा और घटने के बाद 0 से बड़ा होगा, यानी 0 के बाद जैसे ही छोटा होगा वो स्टॉप कर जाएगा, है ना। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, नंबर इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू 0 ले लिए, इनिशियलाइज कर लिए सम को, और ए इज इक्वल टू लिए एन मॉड 10। तो जैसे ही एन मॉड 10 करते हैं हम लोग, तो उस पीरियड में क्या होता है, ये एन मॉड 10 से मॉडुलस निकालता है, मॉड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उस लास्ट वाले रिमाइंडर को, जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट वाले रिमाइंडर को क्या किए थे, क्यूब निकाले थे, है ना। तो उसके सम इज इक्वल टू सम प्लस 0 जोड़ते जाएंगे, सम जैसे पहले बनाते थे सम बराबर सम प्लस आई, है ना, उसी तरह आप सम के जगह पर सम प्लस ए इंटू ए कर देंगे, ठीक है। और नंबर एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये नंबर ट्रंकेट कर जाएगा और फिर चेक करेगा नंबर क्या 0 से बड़ा है या नहीं, अगर 0 से बड़ा है तब तक ये काम लूप हमारा चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे लास्ट में, जब 0 से बड़ा नहीं रहेगा तो सम इज इक्वल टू पी, अगर यस है तो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होगा, नहीं तो इट इज नॉट ए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो चलिए अब इसी का हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, तो समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट की जगह पर क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद एक और यहाँ पर लेंगे बाद में, क्योंकि हम लोग को इसका क्यू निकालना है तो इसके लिए पो फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग इसका क्यू निकाल सकते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है, या डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पे n2 a लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, उसके बाद लिखेंगे void main curly bracket शुरू, ठीक है। अब इसमें हम लोग सब इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे int n, उसके बाद p, उसके बाद sum is equal to 0, उसके बाद a, ठीक है, उसके बाद से लिखो, ठीक है। ये तो हमारा वेरिएबल इसमें यूज हो रहा है, इसको हम लोग लिख दिया होगा। अब क्या करेंगे, clr scr,
क्लियर स्क्रीन कर दी। अब हमारा स्टार्ट का काम तो हो गया भाई, अब क्या करना होगा, सबसे पहले रीड करेंगे। तो रीड के लिए क्या लिखते हैं, दो स्टेटमेंट लिखते हैं, आपको पता है ऑलरेडी, बहुत बार बता चुके हैं, तो बताइए क्या लिख रहे हैं। लिखते हैं चलिए प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ एन बैकस्लैश एन, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ एन, या इसको ये भी लिख सकते हैं इंटर एनी नंबर। तो क्या लिखे, ये तो हो गया, उसके बाद लिखेंगे स्कैन एफ इन्वर्टेड कॉमा परसेंट डी कॉमा इन परसेंट एन, ठीक है, ये लाइन हमारा हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, पी इज इक्वल टू लिखना है, पी इज इक्वल टू एन, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद सम इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग ऊपर में ले ही चुके हैं, ठीक है। अब यहां लिखना है वाइल, वाइल क्या लिखेंगे, वाइल वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो, जब एन जीरो से बड़ा हो तब क्या लिखेंगे, ये वाला ए इज इक्वल टू एन मॉड टेन, एन मॉड टेन सेमी कॉलन, उसके बाद लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस ए इंटू ए, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ओ ए कॉमा थ्री, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पर हैश इंक्लूड लिख करके मैथ डॉट एच को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये हमारा काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। और n इज इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे सेमी कॉलम के बाद n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, ये ट्रंकेट कर देगा हमारा और ये लूप कंप्लीट होता जाएगा उस समय तक जब तक कि n का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो से बड़ा रहे, ठीक है। तो इसके बाद बताइए अब क्या करें हम लोग, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, फिर चेक करना है इफ सम इज इक्वल टू पी के, अगर सम का वैल्यू पी के बराबर है तो क्या लिखेंगे, इट इज ए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, तो यहाँ लिख देते हैं प्रिंट एफ इट इज ए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर बैकस्लैश एन सेमी कॉलन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एल्स इट इज प्रिंट एफ इट इज नॉट ए आर स्ट्रॉन्ग नंबर बैकस्लैश एन सेमी कॉलन, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है, प्रिंट एफ इट इज नॉट ए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, गेट सी एच, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट मेन का बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया और इस प्रोग्राम के आधार पे हम लोग इसको रन कराएंगे लैब में और लैब में चेक करेंगे और उसके बाद हमारा 153 अगर देंगे तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर बताएगा और नहीं तो क्या बताएगा, ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। अगर मान के चलिए इसको हम लोग इस तरह लिख दें, ये तो हमारा हो गया इस आधार पे, अब इसको हम लोग अगर इस तरह लिख दें कि इसको हम लोग चाहते हैं कि उस तरह लिखें पावर पो करके, हैश इंक्लूड करेंगे और मैथ डॉट एच लिखेंगे और यहाँ पे इसको मिटा करके क्या लिखेंगे, ओ ए कॉमा थ्री, उसके बाद से हम कॉल लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस आधार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब समझ में आ गई है बात आप लोगों को,
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।